दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए जहां आम आदमी पार्टी बिजली के मुद्दे पे बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है, तो वही बीजेपी अब मार्शलों में नियुक्ति जो हुई है उसकी प्रक्रिया पे सवाल उठाते हुए भ्रष्टाचार का आरोप ही केजरीवाल सरकार पे लगा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं दिल्ली बीजेपी अपोजिशन के नेता हैं विजेंद्र जी। विजेंद्र जी, क्या है, क्यों आरोप लगा रहे हैं? देखिए, मार्शल भर्ती में जबरदस्त घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है और दिल्ली की सरकार जो है उस भ्रष्टाचार में शामिल है और दिल्ली के युवाओं का हक खाया जा रहा है। एक एक उम्मीदवार से दो दो लाख रुपया लेकर उनकी भर्तियां की गई है और 15 अगस्त के दिन भी दिल्ली सरकार के दफ्तर खोले गए हैं सुबह से रात तक फर्जी 15 अगस्त के दिन और उससे पहले जो रविवार था उस दिन दफ्तर खोले गए हैं और सबूत है, वो सारे सबूत मौजूद हैं और खोलकर उनके फर्जी एड्रेसेस पे आधार कार्ड बनाए गए हैं और उसके बाद फर्जी एड्रेसेस पे आधार कार्ड बनाने के बाद 16 अगस्त को उनकी ट्रेनिंग भी करवा दी है और उनकी भर्तियां कर दी गई। बाद में जब ये मामला खुला तो भर्तियां कैंसिल करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि सरकार ने क्या कोई सर्कुलर निकाला था इन भर्तियों का, कोई एडवर्टाइजमेंट दिया था, क्या एप्लीकेशन मांगी थी? जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो भर्तियाँ कैसे शुरू हो गई? आप कह रहे हैं कि ACB में भी आप शिकायत, कल हम लोग ACB में इस बात की शिकायत करेंगे और इसकी जांच की मांग करते हैं, FIR कराएंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। तो आपके पास सबूत है, वो भी पेश करेंगे? बिल्कुल सबूत देंगे हम। साफ तौर पे बीजेपी का कहना है कि मार्शलों की नियुक्तियों को लेकर वो कल जो है वो ACB में इसकी शिकायत करेंगे।